सेल सिग्नलिंग मीन्स एक सेल दूसरे सेल से किस तरह से कम्युनिकेट करती है। तो आइए हम देख लेते हैं बेसिक सेल सिग्नलिंग क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल सिग्नलिंग एक सेल दूसरी सेल से किस तरह से कम्युनिकेट करती है, मीन्स एक सेल दूसरी सेल को सेल डिवीज़न के लिए मैसेज दे रही है या फिर दूसरे सेल को एपोप्टोसिस के लिए मैसेज दे रही है, इस तरह से वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो अगर सेल एक सेल जो सिग्नलिंग सेल है जिससे सिग्नल रिलीज होगा, सिग्नलिंग सेल से सिग्नल रिलीज होने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं जो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और ये सेल सिग्नल सेल से रिलीज होने के बाद स्पेसिफिक सेल दूसरे सेल से बाइंड होगा, दूसरे सेल से उसी सेल से बाइंड होगा जिसके पास इस सिग्नल के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। सपोज सेल टू के पास वो रिसेप्टर प्रेजेंट हैं और सेल थ्री के पास वो वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो यानी ये सिग्नल सिर्फ इसी सेल को इफेक्ट करेगा, दूसरे सेल को इफेक्ट नहीं करेगा। और सेल टू जो कि इस सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है, इस सिग्नल का टारगेट है, तो इस सेल को हम बोलते हैं सबसे पहले तो टारगेट सेल। और ये सेल करती है रिस्पॉन्स किस तरह से करती है, सपोज सेल को एपोप्टोसिस के लिए सिग्नल मिले तो सेल सिग्नल मॉलिक्यूल जाकर रिसेप्टर से बाइंड होगा, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद रिसेप्टर के मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे जिससे कि वो अपने डाउनस्ट्रीम एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, सपोज किसी काइनेज को एक्टिवेट करता है, काइनेज किस दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, दूसरा कैसपेज, जैसे हम एपोप्टोसिस का एग्जांपल लें तो रिसेप्टर के एक्टिवेशन के बाद वो डेथ डोमेन वाले प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, डेथ डोमेन वाले प्रोटीन के एक्टिवेशन के बाद कैसपेज एक्टिवेट होते हैं और कैसपेज एक्टिवेट होते होते सेल के टारगेट प्रोटीन, लास्ट प्रोटीन जो टारगेट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होती है। उसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, सेल का साइटोस्केलेटन ब्रेक होने लगता है, न्यूक्लियस भी ब्रेक होने लगता है। इस तरह से सेल जो होती है एक्स्ट्रा आउटर एनवायरनमेंट से सेल ने जो सिग्नल रिसीव किया उसके हिसाब से सेल ने रिस्पॉन्स किया। तो ये हो गई टारगेट सेल। तो सिग्नल मॉलिक्यूल जो रिलीज हुआ, केमिकल सिग्नल, उसको बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कैसे सिग्नल मॉलिक्यूल जो सेल एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में रिलीज कर रही है उस तरह के सिग्नल्स को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिग्नल मॉलिक्यूल। दूसरे सिग्नल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे इस केस में सेल ने सिग्नल्स को रिलीज किया और दूसरे सेल के रिसेप्टर ने उस सिग्नल को रिकग्नाइज किया। मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, वो मेम्ब्रेन के सरफेस से ही अटैच रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ही अटैच रहते हैं और दूसरा सेल उसको आकर ऐसे ही रिकग्नाइज करता है अटैच फॉर्म में। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल हुआ मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन से रिलीज नहीं हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल में, स्पेस में। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दो तरीके के हो गए। उसके बाद किस तरह से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बेसिस पर कितने डिस्टेंस तक ये एक्टिव होते हैं, उसके बेसिस पर सिग्नलिंग डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे सिक्रेटरी मॉलिक्यूल सेल ने रिलीज किया और साथ वाली ही सेल ने उस रिसेप्ट मॉलिक्यूल को रिकग्नाइज किया और रिस्पॉन्स किया, मीन्स दो सेल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इस सेल ने इस केमिकल को रिलीज़ किया और दूसरे सेल ने रिकग्नाइज किया। इस सिग्नलिंग को बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। अगर सेल ने सिग्नल को रिलीज़ किया और सेल के खुद के पास ही उस सिग्नल को रिकग्निशन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इस तरह के सिग्नलिंग को बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि सेल के पास खुद के पास उसको रिकग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। और अगर एक सेल ने सिग्नल को रिलीज किया, सिग्नल रिलीज हुआ और सिग्नल पहुंचा बहुत दूर जो सेल प्रेजेंट है उस सेल के पास वाया ब्लड वेसल से होते हुए वो सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल पर जो बहुत दूर प्रेजेंट है उस तरह की सिग्नलिंग को बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग।
पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोन टू न्यूरोन न्यूरोट्रांसमीटर्स का ट्रांसफर होना, और एंडोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में किस तरह से एक्टिव होते हैं, एक सेल एक एंडोक्राइन सेल हॉर्मोन रिलीज कर रही है और दूसरी सेल उसको रिसीव करके रिस्पॉन्ड कर रही है जो कि बहुत दूर डिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल कि कितने दूर तक सिक्रेटरी सिग्नल पहुँच सकता है। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग हुआ और इसके बाद रिसेप्टर्स देखते हैं कितने तरीके के प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर मेनली तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं सेल के पास। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स GPCR सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर GPCR। दूसरे होते हैं आयन चैनल। तो रिसेप्टर्स होते हैं तीन तरह के, GPCR आयन चैनल रिसेप्टर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तीनों ही टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये हुआ हमारा लिगेंड दो तरीके का हुआ, रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल रिसेप्टर तीन टाइप के हुए, लिगेंड रिलीज कर रही है सिग्नलिंग सेल और रिसेप्टर जो टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होती है ये सिग्नलिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक टाइप और होता है सिग्नलिंग का जब एक सेल दूसरे सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वाटर फील्ड गैप प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं गैप जंक्शन। इन गैप जंक्शन से क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल में वो पास हो सकते हैं दूसरे सेल के पास। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कैल्शियम हो गया, साइक्लिक एएमपी हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल इस गैप जंक्शन से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस तरह के जो गैप जंक्शन होता है प्लांट्स में, इस गैप जंक्शन को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। सिंगल सेल यूकैरियोट्स जैसे कि यीस्ट, यीस्ट में भी सिग्नलिंग होती है फॉर द मेटिंग पर्पस। एक यीस्ट सेल दूसरे यीस्ट सेल को केमिकल कुछ पेप्टाइड रिलीज करती है और मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करती है। और प्लांट्स में भी सिग्नलिंग होती है, जैसे प्लांट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो प्रेजेंट नहीं होती है अगर एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें, लेकिन प्लांट्स में हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन के थ्रू सिग्नलिंग चलती है प्लांट्स में भी। और सिग्नलिंग डेवलपमेंट, एपोप्टोसिस, सेल साइकिल, पूरा सेलुलर फुल ग्रोथ के लिए सिग्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।